नरवर मंडी में किसानों का शोषण। किसान अपनी फसल के पैसे के लिए भटक रहा। मामला नरवर मंडी का है। यहां क्षेत्र के ग्राम काशीपुर निवासी किसान कल्लू कुशवाहा 4 तारीख को शनिवार को नरवर उपज मंडी में अपनी मूंगफली की फसल बेचने आया था। मंडी में संचालित फर्म भयालाल फंडीस नरवर व्यापारी ने डाक में नीलामी के समय 7,970 रुपए मूंगफली की फसल की बोली लगाकर फसल खरीदी, जिसका मंडी कर्मचारियों ने अनुबंध पत्र पर बिक्री का मूल लिखकर किसानों को पर्ची दे दी। मूंगफली को मंडी में कांटे पर तुलाने के बाद जब 6 क्विंटल 70 किलो वजन की पर्ची लेकर किसान अपने पैसे लेने व्यापारी की दुकान पर गया तो उसने किसान को अनुबंध पत्र की लिखी गई राशि के हिसाब से पैसे देने से मना करते हुए कहा कि इसमें 1,000 रुपए रेट कम करके हिसाब दूंगा, यानी कि 6,970 रुपए के हिसाब से भुगतान करूंगा। पर्ची में मंडी वालों ने रेट ज्यादा लिख रखा है, इसलिए मैंने रेट से मूंगफली नहीं खरीदी। पिछले 4 दिन से किसान अपने पैसे के लिए अब भटक रहा है। किसान ने अब मंडी सचिव गुर्जर और कर्मचारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब किसान ने परेशान होकर नरवर तहसीलदार मनीष शर्मा को लिखित आवेदन देकर इसकी शिकायत की, इसके बाद तहसीलदार ने किसान को पर्ची के अनुसार भुगतान कराकर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। जो व्यक्ति है कल्लू कुशवाहा, उसने अपनी फसल अपनी बेची थी मूंगफली की, और उसकी जो रसीद उसको दी गई थी उसकी तुलना में उसे कम राशि दी जा रही थी। मैंने मंडी में कर्मचारियों से और व्यापारी से भी बात की, लेकिन उनका कहना था कि ये जो गलती है वो मंडी के स्तर पर हुई है। मैंने मंडी के कर्मचारी अधिकारियों को अभी निर्देशित किया है कि किसान को उसकी वाजिब जो राशि वो दी जाए, और अगर इसमें किसी कर्मचारी की हमारी गलती पाई जाती तो फिर कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। मुनीम ने नहीं डालते, नहीं नहीं, अरे मुनीम तो पर्ची की देख के डाले कोई डाले यार भैया, तो पर्ची का नहीं, गलती तो मंडी वाले की है, नहीं तो मंडी वाले ने डाली। नहीं तो ये बताइए कि इसमें गलती किसकी है? किसान वालों की गलती है, मंडी वालों ने रेट गलत डाल दिया ऑप्शन में, सीधी बात है। पर्ची यहाँ पे पर्ची कौन है ना काटता है? पर्ची कोई कर रहा है मंडी वाले कर्मचारी, उनके जो लगे थे। कौन है कर्मचारी? नाम का मालूम है तो वैसी भर्ती करिए। सेठ ने फरी ली मूंगफली, हाँ। उसका भाव था 7,900 रुपए कुछ था, हाँ। तो उसमें मंडी में मूंगफली बेचने गए, वहाँ के मुनीम ने उसको तुलवा लिया, मंडी का भाव भी लग गया। उसके बाद मंडी तुल गया, फिर सेठ के घर गए पैसे लेने, तो उसने कहा इसका पैसा नहीं मिलेगा, इसका जाना लग दिया है। किसने लिख दिया जाना? ये जाना वो मंडी के कर्मचारी थे, उसने भाव लेने वाले ने उन्होंने जाना लिख दिया, ये बोल रहे थे। कौन था कर्मचारी मंडी का जिसने रसीद काटी थी, जानते हो? कोई ठीक है, मगरोनी का है कोई। अच्छा, हाँ, उसका नाम जानते नहीं है। हाँ, फिर हम सेठ के पैसे लेने गए, वो उन्होंने पैसे नहीं दिए, और उसके बाद तहसील में शिकायत की, तहसीलदार ने नाम वगैरह लिख दिया, उस पर कार्रवाई की कह दी। अभी तक ना कोई तहसीलदार आया, ना कोई कर्मचारी आया, और ना भी 4 तारीख से शनिवार से अभी तक कोई पैसे नहीं मिले, ना कोई सुनवाई हुई अभी तक।